तो आज हम करने जा रहे हैं इंडियन नंबर सिस्टम, जिसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट भी कहा जाता है। तो ध्यान से सुनना है, एज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझाने के लिए मैं एक टेबल बना लेती हूँ यहाँ पर, ताकि आपको समझना जो है इजी हो जाए, इट शुड नॉट कंफ्यूज यू। तो इसमें वी विल बी मार्किंग सम ब्लॉक्स कि नंबर सिस्टम में पहले कौन सा स्टेप आता है, फिर कौन सा स्टेप आता है। ठीक है, इन दिस वे। तो सबसे पहले जब हम नंबर को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले नीचे हमारा आता है वंस। नंबर कभी भी हम उसको अगर नंबर सिस्टम में देखेंगे तो हम राइट से बिगिन करेंगे, वंस देन टेंस, उसके बाद आएगा हमारा हंड्रेड्स, फिर नेक्स्ट ब्लॉक हमारा आ जाता है थाउजेंड, उसके बाद इट इज 10,000। ठीक है, फिर लैक्स, अगेन इट्स सिमिलर 10 लैक्स, देन इट इज करोड़, देन इट इज 10 करोड़। ओके, तो इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस। जैसे वंस है तो वंस में देयर इज नो जीरो, टेंस में देयर इज 1 0, हंड्रेड्स में देयर आर 2 जीरोस, थाउजेंड्स में देयर आर 3 जीरोस, 10,000 में 4, लैक्स में 5, 10 लैक में 6 जीरोस होती हैं, करोड़ में 7 और 10 करोड़ में 8 जीरोस। अभी हम इसको लिख के देखते हैं कैसे। अगर मेरे पास सिंगल डिजिट नंबर है तो वो वंस ही होगा, इट्स अ सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, अगर मुझे टेंस रिप्रेजेंट करना है, इट वुड बी लाइक दिस, हंड्रेड्स 100, थाउजेंड में हमने डिस्कस किया है 3 जीरोस, 10,000 में देयर आर 4 जीरोस, इन द सेम वे विल गो अप टू द 10 करोड़। एग्जाम्पल लेके इसी टॉपिक को समझने की ट्राई करते हैं हम। लेट्स टेक वन वेरी इजी एग्जाम्पल, इट इज 1249062। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि हम राइट साइड से काउंट स्टार्ट करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैक 10 लैक। आपको याद है बेटा, हमने ग्रुपिंग की थी, फर्स्ट 3 डिजिट्स की एक ग्रुपिंग होती है, जो सबसे नीचे वाली ग्रुपिंग हमने की थी। उसके बाद इंडियन नंबर सिस्टम में 2 2 डिजिट्स का ग्रुपिंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनमें वी विल इंसर्ट दी कॉमास। तो इसको लिखना कैसे है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैक 10 लैक। तो नंबर सिस्टम में इसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज 12 लैक्स 49,000 एंड 62। आई होप इट इज क्लियर। अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। इफ वी हैव अ नंबर इज 10348296। ओके, सो फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट, पहले तो 3 की ग्रुपिंग, फिर 2 2 डिजिट्स का ग्रुपिंग होगा। तो उसके बाद हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये जो हमारे नंबर्स हैं ये वंस की कैटेगरी में है, वंस टेंस हंड्रेड जो फर्स्ट ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है हमारा थाउजेंड्स वाला है, दिस इज लैक दिस इज करोड़। तो कैसे लिखेंगे इसको नंबर नेम में, इट इज 1 crore 3 lakh 48,000 2 196। ओके, सो दिस इज वेरी इजी, सिंपलेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द इंडियन नंबर सिस्टम। आप प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर यू विल प्रैक्टिस,
तो उतना ही आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के देती हूँ, अपनी नोटबुक लीजिए एंड गिव इट अ ट्राई। 2030, आई विल नॉट बी पुटिंग द कॉमास। 405, सेकेंड इज 6920005, थर्ड वन इज 4021384861 एंड द नेक्स्ट इज 9900009। बस आप इतने एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कीजिए और आपका इंडियन नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा। इंडियन के बाद अभी हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर हमने इंटरनेशनल वे में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। अगेन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक फिर से ब्लॉक बना लेती हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ओके। तो वी विल बी डिवाइडिंग इट इनटू द वेरियस ब्लॉक्स। तो ये वाला जो ब्लॉक है हमारा वंस की कैटेगरी हो जाएगी सबसे नीचे, जिसमें कि फर्स्ट थ्री डिजिट्स जो होते हैं इट इज सेम एज द इंडियन सिस्टम, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, ठीक है। तो उसके बाद ये जो हमारा ब्लॉक है ये थाउजेंड का आ जाएगा। जो ये वाला डिजिट होगा हमारा थाउजेंड होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो 10,000 रिप्रेजेंट करेगा एंड नेक्स्ट इज 100,000, ओके। इंडियन नंबर सिस्टम में 10,000 तक तो सेम है हमारा, लेकिन 10,000 के बाद क्या आ जाता है, लाख। तो इंटरनेशनल में उस लाख की जगह पे दिस इज 100,000। इस ग्रुप के बाद, थाउजेंड्स की ग्रुपिंग के बाद, इंटरनेशनल में देयर इज अ ग्रुपिंग ऑफ मिलियंस। तो दिस इज 1 मिलियन, नेक्स्ट इज 10 मिलियन एंड फिर आ जाएगा हमारा 100 मिलियन। मीन्स इंटरनेशनल में हमारी तीन तीन डिजिट्स की ग्रुपिंग होगी। इसके बाद बिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन और बेटा फिर आ जाएगा 100 बिलियन, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस देख लेते हैं जल्दी से। वंस में इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर, टेंस में नंबर ऑफ जीरो रहेगी एक। तो सिंगल डिजिट नंबर है तो वंस में देयर इज नो जीरो, हंड्रेड्स में नंबर ऑफ जीरोस टू, थाउजेंड में थ्री, फोर, 10,000 में नंबर ऑफ जीरोस रहेंगी, 100,000 में 5 जीरोस, 1 मिलियन में 6 जीरोस, 10 मिलियन में 7, 100 मिलियन में 8, 1 बिलियन में 9, 10 बिलियन में 10, 100 बिलियन में 11, ओके। सो आई विल बी शोइंग यू द नंबर्स। अगर हमने टेंस में लिखना है तो एक जीरो में वो 10 ऐसे लिखा जाएगा, दो जीरोस 100, अगर किसी नंबर के साथ उसके बाद थ्री डिजिट्स हैं तो वो होगा थाउजेंड्स की कैटेगरी में एंड सो ऑन, क्लियर। चलो अभी एक नंबर्स लिख के प्रैक्टिस करेंगे इसी सिस्टम की, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। कॉपी ले लीजिए एंड प्रैक्टिस विद मी। एक नंबर हम लिखते हैं 9356241 6, ठीक है। अभी इंटरनेशनल में हमने क्या डिस्कस किया कि तीन तीन की ग्रुपिंग होती है। ये हमारा वंस वाला कैटेगरी हो गई, दिस इज थाउजेंड्स, दिस इज मिलियंस। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 9 135 मिलियन। क्यों लिखा यहां पे मिलियन, क्योंकि ये जो हमारा ग्रुप है ये मिलियंस का ग्रुप है, ये थाउजेंड्स का ग्रुप है और ये वंस का ग्रुप है। 935 मिलियन, 6 124 1000 एंड 8 116, ठीक है। इस तरह से आप जो है
नंबर नेम लिख सकते हैं. शेल वी टेक वन मोर एग्जाम्पल. सो दिस इज 10009 4204100. चलो ग्रुपिंग करते हैं फिर से. ये वंस वाली ग्रुपिंग हो गई. वंस के बाद इंटरनेशनल में आता है 1000, उसके बाद आता है मिलियन, उसके बाद आता है बिलियन. सो इजी. कैसे लिखेंगे? हाँ जी, 10,009,204,100. क्लियर? कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स करके, मैं अपना मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी, अभी भी बता देती हूँ, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. तो मेरी जो आईडी है BELEIVENGODPRIYA@gmail.com. कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक पे आपकी क्वेरी है मैथ्स में, तो मुझे मेल कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट. अभी एग्जाम्पल्स करते हैं थोड़ी सी, जैसे हमने इंडियन में की थी, इन द सेम वे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की कुछ एग्जाम्पल करते हैं. कॉपी उठा लीजिए और ये सम नोट डाउन कर लीजिए एंड ट्राई इट योर सेल्फ. 1200, सॉरी आई विल नॉट बी पुटिंग द कॉमास, 029346. सेकेंड है 10987560. ओके, थर्ड नंबर है 11129306 8. फोर्थ नंबर है 5002968421. ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करनी है आपने अच्छे से, तो आपके जो डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे. तो एंड में हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम का, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या आता है कि सेम नंबर को आपको इंडियन में भी लिखना होता है और सेम नंबर को आपको इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना होता है. ठीक है, तो इस तरफ हम दिखाएंगे आपको इंडियन सिस्टम, इस तरफ हम दिखाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम. ओके, चलो फिर से वी विल बी मेकिंग द ग्रुप्स. ये हमारा वंस वाला ग्रुप हो गया. दिस इज सेम फॉर बोथ ऑफ द सिस्टम्स. वंस, वंस, टेंस, टेंस, हंड्रेड्स, अगेन हंड्रेड्स, ये तो सेम रहेगा. और उसके बाद इसके फर्दर जो है, यहां पर हमारा हंड्रेड्स के बाद आता है इंडियन में 1000, अगेन इंटरनेशनल में भी दिस इज 1000, इंडियन में आएगा 10,000, इसमें भी सेम ही रहेगा 10,000. इसके बाद चेंज हो जाएगा, जैसे 1000 की कैटेगरी के बाद इंडियन सिस्टम में हमारा काउंट होगा लैक, लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें लैक को हम रिप्रेजेंट करते हैं 100,000 से. तो इसकी ग्रुपिंग यहां तक होती है. ठीक है, लैख के बाद इंडियन सिस्टम में आता है 10,00,000, लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल है वो स्टार्ट हो जाता है मिलियंस की ग्रुपिंग में. तो अगेन इट इज ओवर हेयर, यहां तक ओवर हो जाता है. लैख के बाद इंडियन में आ जाता है करोड़, और ये हमारा चलेगा मिलियंस का ग्रुप. फिर इंडियन में 10 करोड़, और इधर आ जाएगा हमारा 100 मिलियन. ठीक है, इन दिस वे वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1,00,000 में कितनी जीरोज होती हैं, तो डायरेक्टली यू कैन क्विकली से 1,00,000 में 5 जीरो होती हैं, और 100,000 में कितने होंगे? फिर सिमिलरली 100,000 में भी 5 ही होंगी ना, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल. ये तरीका अलग है इंडियन और इंटरनेशनल को लिखने का.
अगर आपको ये टेबल याद हो जाता है, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट डाउन द नंबर नेम्स, इधर इट इज इंडियन नंबर सिस्टम, इधर इट इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अगर हम कंपैरिजन में करोड़ के बाद जाते हैं इंडियन में, तो ये आ जाएगा अरब, और इस इंटरनेशनल में इट इज 1 बिलियन। ठीक है, तो 1 अरब इज इक्वल टू 1 बिलियन। सिमिलरली फिर 10 अरब, 10 बिलियन, फिर खरब आ जाएगा इंडियन में, दिस वुड बी 100 बिलियन। तो इन दिस वे आपका जो नंबर सिस्टम है वो चलता रहता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।